हेलो एवरीवन वेलकम टू द क्लास इंग्लिश तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के एक बुक का एक चैप्टर जो क्लास टेंथ है सबसे पहले हम उसकी बुक्स के बारे में बात करते हैं क्लास टेंथ में आपके पास दो बुक्स हैं एक है फर्स्ट प्लाइट और एक है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट दोनों बुक की अपनी अपनी एक वेटेज है दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है और दोनों बुक्स के हर चैप्टर इक्वली इम्पॉर्टेंट है इस इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी एक चैप्टर को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हो और किसी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसको नहीं पढ़ते हैं और इसमें से दस नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा इसको हम पढ़ लेते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंग्लिश में आपको हर चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस दे हर चैप्टर पढ़ना पड़ता है ठीक है तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट बुक का फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाला है विच इज अ लेटर टू गॉड ठीक है ये चैप्टर आपको थोड़ा फनी लगेगा थोड़ा ऑकवर्ड भी लगेगा सुन के कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है ठीक है आपको आगे पता चलेगा कि कैसा क्या कोई कर सकता है चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है अ लेटर टू गॉड इसमें आप नाम पढ़ के थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो क्या कि एक लेटर है जो किसको लिखा गया है भगवान को ये चैप्टर पूरा का पूरा एक फेथ के ऊपर है जैसे कि हम भगवान में बिलीव करते हैं ठीक है बट हम इस हद तक बिलीव नहीं करते कि भगवान हमारी हमारे नुकसान होने में या किसी चीज में हमारी भरपाई कर पाएगा हम उतना बिलीव नहीं करते शायद ठीक है चलिए चैप्टर देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या स्टोरी है, है तो जो चैप्टर है वो कहानी है एक इंसान की उस इंसान का नाम क्या है लेंचो तो जो लेंचो है वो एक उसका घर दिखाया है कैसा घर दिखाया है जैसे कि हम बचपन में एक ड्रॉइंग बनाते थे ना मैम बोलती थी एक सीनरी बनाओ जिसमें हम एक पहाड़ी बनाते थे बीच में से चांद निकल रहा होता था सॉरी सूरज निकल रहा होता था और वहाँ से एक नदी बह रही होती थी आसपास थोड़े पेड़ पौधे बना दिए तो कुछ वैसी सी ही स्टोरी वाला वैसा सा ही सीन वाला इसका लेंचो का घर है ठीक है एक पहाड़ी के ऊपर इसका एक छोटा सा घर है और उसके बाहर ही इसकी कॉनफील्ड है ठीक है तो एक दिन क्या होता है लेंचो अपने घर के बाहर आता है अपनी कॉर्न फील्ड को देखता है और उसको थोड़ा प्राउड फील होता है कि मेरी फील्ड ऑलमोस्ट रेडी है और अब देरी है तो सिर्फ एक बारिश की अगर एक बारिश हो जाए तो मेरी फील्ड बहुत अच्छी मुझे कमा कर दे सकती है इसके मुझे बहुत अच्छे पीसोस मिल जाएंगे ठीक है तो वो सोचता है अगर बारिश हो जाए तो वो बारिश पानी की नहीं होगी मेरे लिए सिल्वर पेसोस की बारिश होगी अब पीसोस क्या है मैम पीसोज है जो हमारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ की करेंसी ठीक है तो अब आगे देखते हैं क्या होता है एक दिन यही होता है लैंचो को लगता है कि शायद आज बारिश हो जाएगी आसमान में बादल छाए हुए हैं हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं तो वो अंदर से बहुत खुश होता है कि शायद आज बारिश होगी और मेरी फसल बहुत अच्छा मुझे कमा कर देगी ठीक है अंदर उसकी वाइफ खाना बना रही होती है घर में और वो आसमान की तरफ देख के बोलती है गॉड विलिंग कि भगवान ने चाहा तो जरूर आज अच्छी बारिश होगी अब जो लेंचो है उसके जो बच्चे हैं उनमें से जो बड़े बड़े बच्चे हैं मतलब काफी अच्छी एज के हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं फील्ड में और जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर में अपनी माँ के साथ बैठे होते हैं ठीक है जैसे ही थोड़ी देर बीतती है बारिश होना स्टार्ट होती है तो सबके अंदर एक अलग ही तरह की खुशी होती है कि बारिश हो गई है लंचों के अंदर खुशी होती है कि मेरा फील अब बहुत अच्छा हो जाएगा और जो बच्चे होते हैं एज यूजल जो बच्चे होते हैं वो बारिश को देख के बहुत खुश होते हैं ऐसे ही लंचों के बच्चे भी बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो जब वो बारिश धीरे धीरे से बहुत ही खतरनाक रूप लेने लग गई कैसे खतरनाक रूप लेने लग गई जो हल्की हल्की हवाएं चल रही थी वो बहुत तेज तेज चलने लग गई और जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी वो अब ओलों में बदलने लग गई तो लेंचो के मन में थोड़ा सा उदासी आई कि अगर ये बारिश ऐसे ही तेजी पकड़ती रही और ओले पड़ गए तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी तो मन ही मन सोचता है कि ये बारिश इतनी खतरनाक ना हो बट होता क्या है वो बारिश धीरे धीरे ओलों में तब्दील हो जाती है आंधी तूफान आने लग जाता है और थोड़ी ही देर बाद लेंचो देखता है कि उसकी फसल के ऊपर एक व्हाइट कलर की चादर टाइप्स बिछ गई है ठीक है उसकी पूरी फसल ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी होती है ठीक है अब उसको लगता है कि उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई है मेरा पूरे साल का नुकसान हो चुका है अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा मेरे पास तो और कोई जरिया नहीं है कमाने का ठीक है जैसे कि अभी लॉकडाउन में सब घर बैठे हैं और कोई कमाने का जरिया नहीं है ठीक है तो सब क्या कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम पर लेंचो तो ऐसा नहीं कर सकता था ठीक है तो लेंचो ने क्या सोचा अब मेरी पूरी फसल बर्बाद है तो जिसके कारण फसल बर्बाद हुई है मैं उसी से अपनी भरपाई के लिए रिक्वेस्ट करूंगा तो फसल किसने बर्बाद करी है बारिश ने बारिश किसने करवाई उसने प्रे किया था भगवान से भगवान ने बारिश करा के उसकी फसल बर्बाद करी है तो लेंचो सोचता है कि मैं भगवान से अपनी फसल की भरपाई करवाऊं ठीक है तो उसने एक लेटर लिखा भगवान के नाम पे ये थोड़ा सा फनी लगेगा थोड़ी हंसी आएगी इसको सुन के जो लेंचो है उसने भगवान को एक लेटर लिखा कि भगवान आपने जो बारिश कराई थी जो ओले पड़े थे उसकी वजह से मेरी पूरी फसल तबाह हो चुकी है और अब एक साल तक मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है मैं अपनी फैमिली का गुजारा कैसे करूँगा तो आप मेरी भरपाई करें क्योंकि नुकसान आपकी वजह से हुआ है आप मुझे इसके बदले हंड्रेड पीसोज दे दीजिए और मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी मैं अपना घर अच्छे से चला पाऊंगा ठीक है अब लेंचो की स्टोरी ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड हो गई ठीक है अब क्या होता है वो लेटर जब उसने लिखा अब लेटर कहाँ जाएगा पोस्ट ऑफिस अब पोस्ट ऑफिस जब लेटर जाता है पोस्टमैन वो लेटर देखता है कि ये कहाँ पोस्ट होना है तो वो नीचे पढ़ता है टू गॉड उसको थोड़ा अटपटा लगता है कि लेटर भगवान के लिए मैं इस लेटर को कहाँ दूँ तो वो क्या करता है उस लेटर को लेके जाता है अपने पोस्ट मास्टर के पास जब वो पोस्टमास्टर के पास जाता है तो पोस्टमास्टर देखता है वो लेटर टू गॉड फिर उसको अटपटा लगता है कि जो इसमें पोस्टमास्टर है ना वो थोड़ा फनी दिखाया है जैसे जॉली एल एल बी मूवी में वो जज दिखाया है ना कुछ उस तरह का वो फनी है ठीक है अब उस फनी पोस्टमास्टर ने वो लेटर देखा टू गॉड लिखा है तो उसको लगा कि ये कोई ऐसा इंसान है जो भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करता है या उसको भरोसा है कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे तो वो थोड़ा फिर इस बात को लेके थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो लेटर ओपन करके देखता है कि क्या लिखा है इसमें वो पूरी कहानी पढ़ता है लेंचो की उसको थोड़ी दया भी आती है लेंचो पे अब वो सोचता है कि भगवान तो उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ किसी तरीके से ताकि वो निराश ना हो और वो अपना घर चला सके ठीक है तो वो क्या करता है अब उसके खुद के पास भी इतने पैसे नहीं होते तो वो अपने सारे पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स से या एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट करता है उनको लेंचो की स्टोरी बताता है और उनसे जितने पैसे इकट्ठे हो पाते हैं वो सोचता है कि वो पैसे मैं लेंचो को दे दूंगा अब जितने पैसे इकट्ठे हुए वो पोस्ट मास्टर ने एनवेलप में वो पैसे को रखा और नीचे लिखा फ्रॉम गॉड और वो पोस्ट कर दिए ठीक है अब क्या होता है दो तीन दिन बाद संडे को लेंचो को बिलीव था कि भगवान उसको रिप्लाई जरूर करेंगे और भगवान उसको पैसे जरूर भेजेंगे तो उसने क्या किया पोस्ट ऑफिस गया और अपना लेटर निकाल के देखा अपना लेटर लिया उसको खोल के देखा तो उसमें क्या था मतलब उसको देख के थोड़ा सा गुस्सा आया गुस्सा क्यों आया ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गुस्सा उसको इसलिए आया क्योंकि उसने भगवान से मांगे थे हंड्रेड पीसोज बट उसको मिले कितने हैं सिर्फ सेवेंटी पीसोज क्योंकि जो पोस्ट मास्टर है वो सिर्फ सेवेंटी इकट्ठे कर पाया था बाकी थर्टी वो कहाँ से दे नहीं दे सकता था तो कुछ ना से तो कुछ दिया ना बट लेंचो के अकॉर्डिंग उसको पैसे भगवान ने भेजे और भगवान ने थोड़े कम पैसे भेजे तो वो वहीं पे पोस्ट ऑफिस में खड़े होके एक लेटर एक पेन और पेपर लेता है और एक लेटर दोबारा से भगवान को लिखता है अब उस लेटर में वो क्या लिखता है वो लिखता है कि भगवान मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे बट आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 पीसो दिए हैं ठीक है तो मुझे और पैसे भेज दीजिए क्योंकि इतने में मेरा काम नहीं होगा मेरा घर अच्छे से नहीं चल पाएगा पूरा साल तो आप मुझे थोड़े और पैसे दे दीजिए और मुझे मेल के थ्रू पैसे मत दीजिएगा मुझे किसी और तरीके से दीजिएगा क्योंकि जो ये आप मेल से मुझे पैसे भेजोगे तो जो ये पोस्ट ऑफिस वाले इम्प्लॉयज़ हैं ये शायद कोई घपलेबाजी करते हैं उन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं ठीक है तो वो ऐसे लिख के एक अगेन एक लेटर टू गॉड पोस्ट कर देता है ठीक है अब इतनी बात हो गई है उसके बाद क्या ये चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे फिनिश है कि उसने दोबारा गोड से प्रे किया या सॉरी गोड को लेटर लिखा कि आप मुझे बाकी पैसे दे दीजिए इसके बाद ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो जाती है तो एक क्वेश्चन रेज होता है क्या क्वेश्चन रेज होता है कि क्या अब लेंचो को और हेल्प हो पाएगी लेंचो को पैसे मिलेंगे भगवान उसको भेजेंगे ऑब्वियसली नो no. भगवान ने थोड़ी उसको पैसे भेजे थे उसको पैसे किसने दिए थे पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने अब जब उसने पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स के लिए ही इतना थोड़ा ऑकवर्ड बात या इतनी भद्दी बात लिखी है कि वो थोड़े से मेरे पैसे चुरा लेते हैं नॉल तो वो उसकी हेल्प क्यों करेंगे आगे ठीक है बट लंचों के अकॉर्डिंग तो भगवान ने उसकी हेल्प करी है इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस के लेबर्स के लिए ऐसे लिखा ठीक है तो ये चैप्टर जो है आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर फिनिश हो जाता है अब अगर हम इसकी एक शॉर्ट सी समरी रेडी करें क्योंकि ज़रूरी नहीं है इतनी बड़ी स्टोरी को ही पढ़े एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन होता है सबसे दस नंबर का वो क्वेश्चन आता है उसमें आपको किसी भी एक चैप्टर की पूरी समरी बताने के लिए बोल दिया जाता है वो समरी क्या होती है इस चैप्टर की मैं आपको बताती हूँ क्या होता है समरी देखिए एक इंसान होता है एक लड़ एक आदमी होता है लेंचो अब उस लेंचो की जो फसल होती है वो ओले पड़ने के कारण पूरी बर्बाद हो जाती है अब उस बर्बादी की भरपाई के लिए वो भगवान को ब्लेम करता है और भगवान को एक लेटर लिखता है कि मुझे आप पैसे दे दीजिए हंड्रेड पीसोस दे दीजिए क्योंकि आपकी वजह से मेरी फसल बर्बाद हुई है और वो उस लेटर को भगवान के नाम पे पोस्ट कर देता है बट पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ लिया और उसको पता था भगवान उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो पोस्ट मास्टर ने अपने ऑफिस के अपने पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो लेंचो की हेल्प करें और उनसे पैसे इकट्ठे करके उन्होंने लेंचो को दिए बट वो पैसे थोड़े कम थे तो लेंचो को थोड़ा बुरा लगा और उसने और पैसों की डिमांड करी ठीक है तो ये थी एक इसकी शॉर्ट सी समरी अब अगर हम आगे बात करें तो आगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे ठीक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा था दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रेज हो सकता है कि क्या भगवान ने उसकी हेल्प करी थी तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि लेंचो को गुस्सा क्यों आया था ठीक है और उसके बाद उसने क्या रिप्लाई किया तो आई होप तीनों के आंसर आपके पास हैं ठीक है ठीके? अब हम बाकी चैप्टर्स नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे अब तक के लिए सिर्फ इतना ही आज की क्लास में थैंक यू सो मच